Hello guys, assalamu alaikum. My name is Bakhtawar. So today I'm making my first video on YouTube channel. So I hope if you like it. Today I'm cooking chicken shashlik with rice. So let's try to do it. मैंने लिए हैं दो अंडे. सबसे पहले बनाएंगे हम rice. जिसके लिए मैंने लिए हैं दो अंडे. इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक. नमक डालने के बाद इसको फेंट लेंगे. फेंटने के बाद इसको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ. चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल, जो के हैं दो प्याली. ये मैंने बॉईल करके रख दिए हैं. और ये हैं दो अंडे. और चाहिए होगा हमें काले मिर्च, सोया सॉस, नमक, तेल, शिमला मिर्च, गाजर, चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे तेल. तेल डालने के बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के साथ ही डालेंगे गाजर, ये गाजर एक गाजर है, दो शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, और डालेंगे हरी प्याज जो के है दो, इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, फिलहाल हम डालेंगे दो चमचे. आप देख सकते हैं ये कैसा हो चुका है. साथ में हम काली मिर्च भी डालेंगे. काली मिर्च है एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, नमक डालेंगे हल्की ज़रूरत, अब हम डालेंगे कॉर्न, अब हम डालेंगे अंडा, ये देख सकते हैं सब्जियां गर्म हो चुकी हैं. आराम आराम से हम डालेंगे. अब हम डालेंगे चावल इसके अंदर.
इसमें मैंने डाल दिए हैं सब चावल। इसमें चखने के बाद मुझे लगा सोया सॉस कम है, तो इसमें डालेंगे सोया सॉस जो कि है 1 चम्मच, पहले डाला था मैंने 2 चम्मच। इसके साथ साथ डालेंगे हम काली मिर्च, पहले हमें डाली थी 1.5 चम्मच, और अब हम डालेंगे मज़ीद इसके अंदर 1 चम्मच नमक, हल्दी जायका। मैंने इसके अंदर डाल दिया था जो काली मिर्च, नमक और सोया सॉस, तो वो डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दम पे रखेंगे, थोड़ा दम पे रखने के लिए इसकी हल्दी। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन जो कि है 1 सीना, और उसको बारीक बारीक मैंने ना ऐसे पीसेस की तरह चॉप कर लिया। चिकन यहाँ वाइट हो चुकी है, सबसे पहले हम डालेंगे उसके अंदर चिली सॉस 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सोया सॉस 1 टीस्पून, 2 टीस्पून 3 टीस्पून। लाल मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, नमक हल्दी ज़रूरत। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो सके, तो हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। हम इसको 5 मिनट तक ऐसे थोड़ा पकाएंगे ताकि ये मुर्गी जो है वो मसाला ले ले, फिर उसके बाद हम डालेंगे जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब, और केचप जो है वो भी डालेंगे लेकिन बाद में। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम डालेंगे इसके अंदर गाजर जो कि है 1, और उसको हमने ऐसे ऐसे पीसेस कर लिए। ये जो मैंने 3 हरी प्याज जो ली थी वो उसके जो आगे प्याज है वो है। जो 2 टमाटर लिए थे मैंने, ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने 5 मिनट छोड़ा था, उसके बाद ये हो गया है ऐसा। तो हम इसके अंदर डालेंगे केचप जो कि है 4 टेबल स्पून, और ये जो केचप जो है वो मेरा घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी।
शाशलिक को गाढ़ा करना होगा, जिसके लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लोर जो है वो लिया है हमने 2 चम्मच, और उसको उसके अंदर पानी डालेंगे। शाशलिक को गाढ़ा करना होगा, जिसके लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच। अब हम उसके अंदर पानी डाल के उसको मिक्स करेंगे। मैंने कांटा से लिया है क्योंकि इससे सही वो होगा, सही मिक्स हो जाएगा। इसको हम डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे चखने के बाद, या आपको स्पाइसी चाहिए और भी, तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि लाल मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, सब कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला है, जैसे कि एक लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। तो ऐसे आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसकी। अब चलते हैं चाइनीज़ राइस की तरफ, जो कि हमने रखा था दम पे। ये है चाइनीज़ राइस जो कि हमने दम पे रखा था। ये बन चुके हैं। अब शाशलिक बने तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा हमने धनिया चॉप कर लिया। अब इसे डालेंगे हम शाशलिक के अंदर। ये मेरा शाशलिक पक चुका है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिसकी वजह से आने वाली जो भी मेरी वीडियो होंगी वो आपको आसानी से मिल सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।